हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। अभी थर्सडे को है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। उसके पहले बैंक निफ्टी में एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे कल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप देख सकते हो। निफ्टी ने जैसे ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट का जो लेवल था एग्जैक्ट उसी के पास सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है, और जहाँ पर दिन का हाई लगाया था उसी लेवल के आसपास आके इसने फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो रोलर कोस्टर राइड आज देखने को मिली निफ्टी इंडेक्स में। हालांकि अगर देखे तो कल जहाँ पर क्लोज हुआ था उसी के आसपास आके ये आज भी क्लोज हुआ है। तो ये निफ्टी का चार्ट था 5 मिनट का। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पहले एक हमें साइडवेज पैटर्न में इंडेक्स ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी अगर मार्केट को कोई सरप्राइज मिलता है थर्सडे के दिन आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकती है। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल सेम होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसी लेवल के पास ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और आज भी ऑलमोस्ट इसी जगह पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ब्रेकआउट लेवल हमारा 18,628 का सेम रहेगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 18,647, और सेकेंड टारगेट होगा 18,665। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पहला तो ये सपोर्ट बनेगा ये पिंक लाइन 20 MA का, तो जस्ट इसके नीचे अराउंड 18,568 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी 18,551, और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जहाँ से आज इसने ऑलमोस्ट इसी जगह से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, 18,553 ये हमारा 18,533 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो। ओपन हुआ टूवर्ड साउथ की तरफ आया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसी के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है 2 बार। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट, और लास्ट का जो 1 घंटा बचा था आधा घंटा उसमें एक ज़बरदस्त बाउंस बैक हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में आते हुए देखा है। तो अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में ये देखते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 60 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 60 मिनट का चार्ट है, काफ़ी साइडवेज पैटर्न है आप देख सकते हो। 31 मई से ये काफ़ी बोरिंग सा फेज बना हुआ है। यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है थर्सडे को, उसके पहले हमें कई बार ऐसा सीनारियो देखने को मिलता है। कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 44,258। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 44,315 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 44,366 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा अराउंड 44,120। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 44,084, और सेकेंड टारगेट होगा 44,033। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन होगा। आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।